पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई करारी हार के बाद एक बार फिर पार्टी में घमासान मच गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान की मुसीबत एक बार फिर बढ़ा दी है। ऐसे में आने वाले समय में राज्य में कांग्रेस की स्थिति और खराब हो सकती है। दरअसल पंजाब में कांग्रेस को डुबाने वाले पूर्व प्रदेश प्रधान सिद्धू ने एक बार फिर लॉबिंग शुरू कर दी है। सिद्धू से सोनिया गांधी ने प्रदेश प्रधान के पद से इस्तीफा ले लिया, लेकिन उसके बाद भी सिद्धू चुप नहीं बैठे हैं। सिद्धू एक बार फिर चाहते हैं कि उन्हें पंजाब में कोई ऐसा पद मिले जिससे वो पार्टी के नेताओं को अपने काबू में रखें। इसीलिए बीते कई दिनों से वो विधायकों से लेकर हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक कर चुके हैं। सिद्धू की हालिया बैक टू बैक बैठकों को उनके द्वारा पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच उनकी स्वीकारता और पार्टी आलाकमान के प्रति उनके समर्थन को दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धू ने अभी तक कांग्रेस नेताओं के साथ 3 बैठक की है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया कि सिद्धू का प्रयास शर्मनाक हार के बावजूद पंजाब कांग्रेस में अपनी स्वीकारता और ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाना था। कांग्रेस नेता का ये भी मानना है कि सिद्धू को इस बार पार्टी में कोई ऐसा पद नहीं मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति को देखते हुए उसी व्यक्ति को बहाल करना मुश्किल है जिसकी कमान में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया हो। वहीं सिद्धू की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिद्धू ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और पंजाब से संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। सिद्धू ने चंडीगढ़ के समर्थन में बल्लेबाजी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के 27 गांवों की जमीन पर चंडीगढ़ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के बहाने पंजाब का पानी निशाना बनाया गया है। हालांकि सिद्धू भले पंजाब में एक बार फिर लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान उन पर दोबारा भरोसा करेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस अगर सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाती है तो वो पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।